मैं रोशीन से मिलने से पहले ही मीडिया के जरिए उससे वाकिफ थी। वो पाकिस्तान की पहली खातून स्कूबा डाइविंग इंस्ट्रक्टर थी जिसे मीडिया ने शौक से जलपरी का लकब दिया था। कुश्तों के जमाने की स्नॉर्कल ढूंढनी। तुम शूट कर रही हो? हाँ, ओके। वी आर जस्ट लोडिंग द स्टफ फॉर डाइविंग एंड टुडे वी आर डाइविंग अराउंड चरना एंड वी हैव अ फ्यू स्टूडेंट्स फॉर ओपनिंग विद द डाइवर ट्रेनिंग एंड वी डू अ कपल ऑफ ट्रेनिंग डाइव्स एंड लेट्स सी If we get a chance, we'll do some underwater photography as well. Oh my god, terrible. Trip has been cancelled. Half of the student chicken out. Oh my god. Ji, kahan pahunche hain aap log? Bahar khade hain. Bas hum log aa rahe hain. पहुंच गए हैं शॉप पे। सर आ जाएं तो फिर हम लोग भी निकलते हैं। इट्स 8 AM इन द मॉर्निंग एंड वी बीन डिच्ड बाय टू अदर डाइवर्स सो नाउ वी हैव टू पेइंग एक्स्ट्रा टू गो एंड लेट्स सी कि क्या होता है आज का ट्रिप। डाइव करते हैं या कैंसिल करते हैं? ट्रिप इज मी ऑफ। इतनी अच्छी अच्छी सुबह होती है। सुबह सारा प्लान करके सारा वो सामान लोड किया है। माय गॉड, सारी तैयारी की है। कुछ ज़रा भी नहीं साथ में। वो बैग नमीरा का है या आपका है? फाइनली हम लोग डाइव करने जा रहे हैं। हम लोग बलूचिस्तान कोस्ट में ही डाइव करते हैं क्योंकि कराची कोस्ट तो ऑलमोस्ट सारी तबाह हो चुकी है। लांच वाली साइड पे आए। अच्छा चलो ठीक है, तुम कैसे तैयार हो? रोशीन की शागिर्द बनना ही मेरे लिए एजाज की बात थी। मुझे क्या पता था कि कराची की एक खातून फिल्म मेकर की हैसियत से मैं एक ऐसे सफर पर रवाना होने जा रही हूँ जो मुझे जिंदगी के एक नए पहलू से रोशनास करेगा। I like Jarna Island because mostly you get a one area shelter where you can dive even if the wind is blowing from another direction. But always you get a chance to dive on any particular spot depending on the weather condition. I've been diving around Jarna since the last 10 years or more, so I know each and every stone. And for training dives, I choose the sandy area where students can sit nice and easily and perform their skills. But for underwater tour, I take them close to the reef, the other area where they can see fishes and corals and play around and control points. I selected this spot and now the wind is going to die soon. Current is a little bit strong, but not really that strong. But I'm glad there is no surge. I competed almost all of my underwater skills, and now I am hoping to go for the fun dive if they allow me to. I'm pretty cold right now, but it's fine. We were learning our final set of skills for the Parry open water diver course. And so this is our like third dive
and then we have one more dive left before we complete our the course. The skills kind of involve, you know, taking off your weight belts and putting it on, and then, you know, taking off your buoyancy controlling device, the entire gear, while being on the seabed, and then, you know, practicing the same skills on water. वो पाकिस्तान की लाखों ख्वातीन से बहुत मुख्तलिफ है क्योंकि उसने एक अनोखा शोबा चुना और स्कूबा डाइविंग को इतना आसान कर दिखाया। ऐसा मुल्क जहां औरतें अभी भी कोशिश कर रही हैं कि वो बाएख्तियार हों और अपने बुनियादी हुकूक हासिल करें, वहां रोशीन का स्कूबा डाइविंग करना एक बहुत गैर मामूली अमल है। उसकी बहादुरी और दिलेरी उसको उन जगहों पर ले गई जहाँ मर्द भी जाने से कतराते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में लोग यही समझते हैं ना कि डाइविंग बहुत बड़ा ख़तरनाक मशगला है और फीमेल इंस्ट्रक्टर जो हैं वो इतनी फिज़िकली स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं कि वो किसी की जान बचा सकें या उनको सिखा सकें। ये कॉन्सेप्ट था। टीचिंग में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती, लोग सीखने से इनकार कर देते थे मुझसे। वो समझते थे कि शायद मैं उनको सही नहीं सिखाऊंगी या मैं फिजिकली एक मर्द की तरह इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ, डुबो दूंगी उन्हें। She just came into the fort to start working with us, and then finally she got interested in scuba diving and she learned. And I spent about 10 good years of my life to train her. I'm one of the best divers in the country. I just want to enjoy the back seat. I couldn't sleep that. I had a lot of dreams. I'm just trying to sort out stuff and make enough room for myself to sleep. Oh, for an hour at least. ऐसा लगता है कि रोशीन हमेशा से हवा की तरह आजाद है और हंसती खेलती रहती है। लेकिन जब आप करीब आए तो आपको फौलाद की सी मजबूती महसूस होती है। I'm scuba diving for the first time. A little bit scared. I'm doing the PADI certification with Roshin and Yusuf. I've done my pool dives and the theory, but now it's the first sea dive. मैं अक्सर सोचती थी कि इसकी कहानी क्या है, इसके अंदर का समंदर कितना गहरा है। I want to take these guys today, the discovery divers. And Alize can go with you for a course dive. And let's see if she is comfortable enough in the first dive, then you guys can do a couple of skills. Help her out, watch her. Fixing the gear. That's our bag. This is the bag for her. And I give her tank. Yes. So you can sit here. And so we all are gonna get gear up right here. Because I just finished my instructor course in San Diego, and I came here for holidays, and the first time I dive here around here, Cherna, was 83. And that was the year I got married too. Good. Give me okay. Good. It was incredible. Didn't think I would be so comfortable in the water. I was a little scared in the morning before I started. It was pretty easy. I think after about half an hour, your mouth starts running really dry and I get really cold. But the experience is really great. Education mein bahut zyada mushkilat dekhi maine. Ghar mein padhne ki
परमिशन नहीं थी, तो कॉलेज से आने के बाद मैं प्रेयर हॉल में बैठ के बाग में पढ़ती थी, और फिर वहाँ 2-4 घंटे पढ़ने के बाद फिर घर जाती थी। जब मैं मैट्रिक में पढ़ रही थी तो मुझे नहीं पता था, गली मोहल्ले के लड़कों ने मुझे चेज करना शुरू कर दिया था। फिर उनमें से एक लड़का जो था उसने मुझे स्कूल तक एक दिन चेज किया, मुझे नहीं था पता। फिर वो बात जब घर पे गई तो उन्होंने शादी करने पर उन्होंने कहा पढ़ाई हो गई तुम्हारी पूरी, अब तुम्हारी शादी करते हैं। फिर कॉलेज जाने की परमिशन मिली रोध हो के, फिर उन्होंने मुझे सब फाइनेंशियली सपोर्ट करना बंद कर दिया। फिर मुझे खुद भी टाइम लगा इस चीज़ को सीखने में, एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगा। तो यूसुफ साहब भी स्विमिंग सिखाया करते थे शाम को, और मैं उनको देखती थी, तो वहाँ से भी मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती थी खवातीन को देखकर स्विमिंग करते हुए। फिर भी मैंने वो मशरकी लड़कियों की तरह मैंने कहा नहीं मैं सीखूंगी तो किसी फीमेल इंस्ट्रक्टर से, कोई मर्द आदमी मुझे हाथ ही लगाएगा, मैं आपसे भी नहीं सीखूंगी स्विमिंग। I started scuba diving in 1979, and first breath in the water, boy, I was hooked, because I could see, I could breathe, and it was so comfortable, so nice. 3 years later, I collected money, I went to San Diego, California, Perry College, and took a 10-week course in scuba diving, and became a Perry Gold instructor in 1982, with 10 specialties. I've opened the first Dubai Diving Center on Jumeirah Beach Road in Dubai, being a pioneer. And after a while, by 1989, I realized that I should be doing something for the Pakistani. फिर इस कहानी में यूसुफ अली शामिल हुए। मुझे लगा कि वो ज़रूर एक गैर मामूली शख्सियत के मालिक होंगे जिन्होंने रोशन की ऐसी तरबियत की। जब फर्स्ट ओपन वाटर डाइवर का लाइसेंस मुझे मिला था, सर ने मुझे कॉल करके कहा तुम्हारा लाइसेंस आ गया रोशन, कंग्रेचुलेशंस, यू आर नाउ ओपन वाटर डाइवर। तो इतना एक्साइटिंग था, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था, और मैंने वहीं पर रोना शुरू कर दिया। वॉज लाइक बैचलर डिग्री फॉर मी। फिर इसी तरह आगे कंटिन्यू रखा, डाइव मास्टर बनी 2005 में, मज़ा आने लगा। फिर जब फर्स्ट फीमेल डाइव मास्टर और अंडर वाटर फोटोग्राफर में बनी, तो नवाए वक्त में मेरा इंटरव्यू छपा था न्यूज़पेपर में। उसके बाद मेरी घर में पता चला कि मैं क्या कर रही हूँ, इट वाज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर देम। सो फिर मुश्किल आना शुरू हुई, फिर मैंने घर छोड़ दिया। इट्स बीन 9 इयर्स। फिर भी कॉल्स आती रही, धमकियाँ आती रहीं, मुझे हर्ट करेंगे या मुझे जान से मार देंगे, इस तरह की धमकियाँ देते रहे कि वापस आ जाओ वापस आ जाओ। और मैंने उनको कहा कि मैं लीगल एज में हूँ, आई कैन डिसाइड ऑन माई ओन वेयर आई वॉन्ट टू लिव एंड वट आई वॉन्ट टू डू। तो फिर उसके बाद से कट ऑफ हो गया। When she decided to go scuba diving, her family disowned her, and then we have provided her home. And that since that she lives here, so she has no problem at all. Otherwise, in this suffocated society, the girls that rush in they are finding a difficult time. But we provide protection. But Yusuf Saab ne mujhe isme bahut support kiya. Unhone phir mujhe bheja Thailand, aur फर्स्ट फीमेल डाइव इंस्ट्रक्टर बनने के बाद फिर मैं वापस आई। ना सिर्फ उनके लिए एक डिफरेंट चीज़ थी, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक डिफरेंट चीज़ थी जो मैं सीख रही थी। हमारी सोसाइटी जो है उसके लिए एक नई चीज़ थी, और सोसाइटी को एक्सेप्ट करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा। एंड सिंस 2009 आई हैव ट्रेन मोर देन 300 स्टूडेंट्स इन डिफरेंट एरियाज, फ्रॉम बिगनर्स टू रेस्क्यू डाइवर्स, एंड नाउ आई एम वर्किंग ऑन अ डाइव मास्टर कोर्स टीचिंग दैट, एंड इट्स रियली फन। जहाँ तक एक्सपीरियंस का ताल्लुक है, जाहिर है कि इन्होंने इतने स्टूडेंट्स को टीच किया हुआ है, वो पहले दिन ही मुझे समझ में आ गया कि शी इज़ अ गुड टीचर। स्कूबा डाइविंग सीखते हुए
KSDC से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मेंटोर मुझे अलग मिला सर यूसुफ अली के नाम से, और एज एन इंस्ट्रक्टर रोशन खान मुझे अलग मिला। यहाँ पे आने के बाद एज अ मेल या फीमेल टीचर होने का तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एज लॉन्ग एज शी टीचेज मी व्हाट शी इज सपोज टू टीच मी। एंड एज एन इंस्ट्रक्टर शी एक्चुअली आस्क्ड मी इफ आई हैव एनी प्रॉब्लम्स गोइंग विद हर, एंड आई सेड नो। किसी भी एजुकेशनल सेंटर में जब आप जाते हैं तो वहाँ का टीचर मेल हो या फीमेल हो, सब लोग बैठ के उससे पढ़ते हैं। वहाँ पे जब ये प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ क्यों होनी चाहिए? एक बहुत ही कंफर्टेबल माहौल के अंदर वो सिखा देती है। शी इज़ अ थॉरो प्रोफेशनल, शी इज़ अ प्रोफेशनल पर्सन एंड आई एम अ स्टूडेंट। आप लोग एक्सेप्ट करते हैं मुझे, आप लोग मेरी तारीफ भी करते हैं, मुझे पसंद भी करते हैं, मुझसे डाइविंग भी सीखना चाहते हैं। बहुत सारे मेजॉरिटी में मेरे स्टूडेंट हैं वो मेल ही हैं, फीमेल्स तो अब आना शुरू हुई हैं। आई वॉज वेरी वेरी इनकरेज टू सी रोशन, आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी हर बट नॉट सरप्राइज। नो women women in Pakistan and Pakistani women are in every field and it comes very naturally, you know, you don't even think about it when you're right next to men. Roshin has been playing a very important role and she has actually back up female community. Young girls and boys are looking up at Roshin and hoping to one day they will achieve a position like that. दिव्या समरना बहुत ही मेरी क्यूट जूनियर स्टूडेंट्स रही हैं और उन्होंने जूनियर ओपन वाटर डाइवर का कोर्स किया है। समरना को तो डाइव मास्टर तक कंटिन्यू करना है एंड शी वांट टू बी लाइक मी। 95% मेल है, 5% फीमेल का रेशियो है, लेकिन अब फीमेल्स आना शुरू हो गई हैं। आपका आना रात में आ गया। माय मॉर्निंग भाई Now the concept is changing, the misconception is going away, washing away. So now they think that females should come forward and they can learn scuba diving and have fun. And what do you think about learning from a female? Learning scuba diving, because scuba diving is considered a man's sport. I mean, it doesn't really matter to me. I mean, it's just, for me, it's like instructor, just instructor. Be it male or female, doesn't really matter. She is, no doubt about it, very good. Diver, teacher, environmentalist, and working very, very hard. I love taking pictures of marine life, like fishes, usually, because my purpose is to document the fish life around Chernobyl, and that's why whenever I get a chance, I just go down and take pictures. रोशनी ने मुझे दिखाया कि तख्लीक के बहुत सारे रंग होते हैं। अपने आप को समंदर में डुबोकर आप एक जन्नत से पर्दा हटा देते हैं और हर बार मौत के करीब पहुंच कर वापस आते हैं। एक एक डिफरेंट टेरिटरी में हम चले जाते हैं, अपने आप को डुबो देते हैं, बिल्कुल खो जाते हैं उस खूबसूरती में, सेरेनिटी में खो जाते हैं। और उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है कि हमें उसी लेवल पे जाना पड़ता है जिस लेवल पे हमें वो सारी खूबसूरती नज़र आती है। मुझे खुशी है कि इस जलपरी ने अपने सुरों की कशिश और जेरे आब रक्स से मुझे भी समंदर की तह में खींच लिया। 9 साल हो गए हैं मुझे डाइव करते हुए, लेकिन अभी भी मेरे लिए वो हर चीज़ वैसी की वैसी, इतनी ही एक्साइटिंग, इतनी ही कलरफुल है और इतनी ही खूबसूरत है और इतनी ही पीसफुल है। और जो म्यूज़िक आपको पानी के अंदर सुनने को मिलता है, इट्स अमेजिंग।